वेलकम बैक फ्रेंड्स, राज दिल से मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया है कि इंटरनेशनल हैबिटेट फिल्म फेस्टिवल में अटेंड कर रहा हूँ, और अभी अभी मैंने देखी अध चननी रात, एक पंजाबी फिल्म गुरविंदर सिंह जी द्वारा निर्देशित, और ये फिल्म 2022 की इसी साल की फिल्म है। और इस फेस्टिवल में पंजाबी फिल्म्स में ये एक इकलौती फिल्म है, और बड़ा फॉर्चुनेटली जैसे मैंने आपसे पहले भी शेयर किया कि आज एक संस्कृत फिल्म भी देखने मिली और अब एक पंजाबी फिल्म देखने को मिली। फिल्म में जो स्टोरी है वो मोदन की स्टोरी है, जो कि 15 साल की कैद से बरी होकर अपने गांव वापस लौटता है। अपने पिता के अपमान के बदले में उसने एक मर्डर किया और 15 साल तक कैद में रहा, और उसके बाद जब वो वापस अपने गांव आता है तो उसकी परिस्थितियां पूरे गांव की सब बदल चुकी हैं, फैमिली में सब कुछ बदल चुका है, उसके परिवार के साथ उसके संबंध पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं है। तो अपनी माँ को लेकर अपने एक दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता है, और किस तरह उसके साथ फिर भी एक समस्याएं चलती ही रहती हैं, किस तरह अब भी उसकी लाइफ जो है वो सेटल डाउन नहीं होती, कुछ प्रॉपर्टी के विवाद और उसके फैमिली के साथ जो रिलेशंस हैं उनको लेकर बुनी गई ये फिल्म है। पूरी स्टोरी मोदन जो है वही इस फिल्म का एक लीड कैरेक्टर है, और उसके अलावा उसकी फैमिली को दिखाया गया है, दोस्तों को दिखाया गया है। खूबसूरत फिल्म है, क्लाइमैक्स थोड़ा सा अटपटा लगा, अदरवाइज़ लोगों को काफ़ी पसंद आई, काफ़ी पंजाबी को चाहने वाले लोग वहाँ पर फिल्म देखने के लिए आए, और लगभग पूरा हॉल खचाखच भरा ही हुआ था। तो अध चननी रात गुरविंदर सिंह जी द्वारा निर्देशित फिल्म कभी किसी फेस्टिवल में आपको देखने मिलती है तो ज़रूर देखिएगा, खूबसूरत फिल्म है, अच्छी फिल्म है। और पंजाबी में तो खैर हमें बहुत सारी फिल्में देखने मिलती ही रहती हैं, और ये फिल्म फेस्टिवल्स तक पहुंची हुई है, सबसे अच्छी बात ये है, तो आप समझ सकते हैं फिल्म में कुछ तो खास बात है। तो फिर से आपको बताता हूँ, 15 मई तक चल रहा है इंटरनेशनल हैबिटेट फिल्म फेस्टिवल, आइए हैबिटेट सेंटर लोधी रोड नई दिल्ली। राज दिल से।